जो करना है अभी करना है, अभी करोगे तो फिर आगे वो कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इस समय वर्तमान को तुमने नष्ट किया तो समय तुमको नष्ट करेगा, तुम समय को नष्ट किया तो समय तुमको नष्ट करेगा। स्वस्थ शरीर की कामना तो साधक कर सकता है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर में तो भजन नहीं होगा। हाँ, स्वस्थ शरीर का कामना तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा भजन प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। भजन प्रवृत्ति नहीं है स्वस्थ शरीर होने से, फिर जाके उसका मन बुद्धि वृत्ति भोग की तरफ खींच के ले जाता है। शरीर धर्मी होने का कारण तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, कृपा करके उसको ये बोध जगाने के लिए, देखो शरीर कितना अनित्य है, दुखदायी है, इसका मुंह में नहीं पड़ना, इस शरीर रहते रहते भजन करो भजन। हमको ऐसा बहुत बार हो गया अकारण ऐसा ऐसा वे दिया गया, हम देखते हैं जो हमारा शरीर जाएगा, भय होना शुरू हो गया, अरे हमारा तो भजन हुआ नहीं, तो भगवान से प्रार्थना किए हैं, प्रभु इस बार इस विपत्ति से हमारा अगर हमको मुक्ति मिल जाए तो हम खूब भजन करेंगे। देख लिया शरीर अनित्य है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक हो गया। बड़े बड़े व्याधि आ गया, भयंकर भयंकर व्याधि आ गया, लकुआ मर गया था, जीवन समाप्त, अल्प उम्र में ही लकुआ मर गया, ठीक हो गया, ना हॉस्पिटल गया ना कहीं गया, ठीक हो गया गुरु कृपा से। कितना कितना व्याधि, एक बार टीबी हो गया, टीबी का चार लक्षण जो है हमारे अंदर, उस समय दवाई भी नहीं, चेस्ट पेन, बुखार, खांसी, मुंह से खून निकलना, ब्लीडिंग, चारों जो सिम्टम है टीबी का सब दिखने लगा। घबरा गए, हे प्रभु अब आप क्या करें, अब तो हमारा तो टीबी हो गया, अब इसके पीछे हम डोलेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ओहो, अगर हमारा शरीर ठीक हो गया एकांत में हम खूब भजन करेंगे। चले गए माठवन में, उस स्थिति में मस्तक फस्तक मुंडन करके जमुना में गोता लगा करके चले गए जंगल में, माठवन में, बंशीवट में, ना शरीर तो आप शरीर का भरसा मत करो, उसी अवस्था में वही थोड़ा सा दवा दरी लेकर के, एक दिन तो मृत्यु का नौबत आ गया था रात को 12 बजे, शरीर काटने लगा, अब शरीर छूटेगा, हे भगवान हमारा तो भजन हुआ नहीं, ठीक हो गया। टीबी कहाँ चला गया, हवा जैसे उड़ गया। उस समय टीबी की दवाई भी नहीं हुई। ना कोई दवा भवा, कौन कहाँ दवा, जंगल में कौन दवा, 40 साल पहले, ना ये 40 साल पहले नहीं है, ये है तुम्हारा लिखी जाने के पहले, 1997-6-7 ऐसा होगा, ठीक हो गया। प्रेम सरोवर में आया, एक दिन ऐसे ही शरीर हो गया, अरे शरीर एकदम गया, क्या जाने क्या हो गया। हाँ, डॉक्टर ने चेकअप किया, कौन से सत्संग कर रहे थे, कहाँ ले आया, इसका प्रश्न ने फिर भी जानने का विषय है, ले आया प्रेम सरोवर में हम ले आए हैं। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप करके बताया जो तुम ठंडा नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल ठंडा लगाओगे तो तुम्हारा मृत्यु, तुमको कम्बल उम्बल, हम तो खाली पदन पहले से ही रहते थे, कम्बल पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठंड सुबह नहाना बंद, ठंडी पानी में नहाना बंद, गर्म पानी में नहाना पड़ेगा, दिन में नहाना पड़ेगा, ये सब नाना प्रकार प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। उन्होंने, हे भगवान हमारा भजन जीवन तो चौपट हो गया, ऐसा आराम से रहेंगे, भीतर में रहेंगे, नाक मुंह ढक करके रहेंगे, सुबह नहाएंगे नहीं, सुबह नहाना एक साधन, साधक जीवन का एक बड़े भजन अंग है, प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना साधु के लिए अवश्यंभावी जरूरी है, नहीं सुबह नहाना नहीं हुआ, नहाने से मुश्किल हो जाएगा, 3-4 दिन तो कोई रकम हमने कष्ट से व्यतीत किया, बड़ा मानसिक टेंशन, जी ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छा है। जिस जीवन में भजन होना संभव नहीं है, शरीर के पीछे ही हमको सब चेष्टा करना पड़ेगा, शरीर के लिए समस्त कर्म चेष्टा, जीना है तो शरीर के लिए,
भजन के लिए जीना नहीं, शरीर के लिए जीना है, तो ऐसा जीने से क्या मतलब है। बड़ा मन में टेंशन आ गया, 3-4 दिन कोई रकम कष्ट से रहा, 3-4 दिन बड़े कष्ट से बिताया, मानसिक टेंशन, सुबह नहाना पड़ेगा, ठंडी मौसम, एक जन अलखल्ला बना दिया था मुरारी के पिताजी, कंबल काट करके यहाँ से गला, कमीज तो नहीं पहनेंगे, उसी को पहन के रहते हैं अलखल्ला। मेरे साला ये कहाँ कैसा माया में पड़ गया, अब हमारा जीवन समाप्त हो, हमने ठीक कर लिया, अब जीवन समाप्त हमारा, इस जीवन में भजन होगा नहीं। 3-4 दिन पीछे और कंबल को तो हमने फेंक दिया, बाबा को दे दिया खाली बदन, और ठंडी मौसम में पौष महीना में कुंड में गोता लगाना शुरू कर दिया, वही 1 बजे चलो चलो मरेंगे तो ऐसे ही मरेंगे, जो जो नियम था पहले वो करना शुरू कर दिया। भाई कहाँ से हमारे जो आदि व्याधि वो डर के मारे वो जो कहाँ भग गया, आज तक उसका कब्र नहीं, कोई बिना दवा भग गया एकदम, हमारे पास आया ही नहीं, वो बीमार डर के मारे भाग गया। तो ये सब प्रभु दिखाते हैं, देखो चेतन कराते हैं, देखो शरीर अनित्य है, इसको तुम ये नहीं समझना शरीर तो अभी जवानी है, हम पीछे भजन कर लेंगे, ना अभी शरीर स्वस्थ रहते रहते एक एक पल एक एक क्षण तुम भजन करो, समय को बर्बाद मत करो, आगे का कोई भरोसा नहीं है, वृद्धावस्था में तो कुछ होने वाला है ही नहीं, जो करना है अभी करना है, अभी करोगे तो फिर आगे वो कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इस समय वर्तमान को तुमने नष्ट किया तो समय तुमको नष्ट करेगा, तुम समय को नष्ट किया तो समय तुमको नष्ट करेगा, तुम समय को आदर किया समय तुमको आदर उसका कीमत देगा, समय किसी से दोस्ती नहीं करता है, समय किसी से मित्रता नहीं करता है, तुम समय का कीमत उठाओगे तो समय तुमको कीमत देंगे, समय को बर्बाद करोगे समय तुमको बर्बाद करेगा, ये सत्य है। तो कभी कभी ये आदि व्याधि दिखाते हैं, जो चेतन है वो तो जाग जाता है भगवत कृपा से, हरे हरे अब तो ठीक हो गया, हमने तो वचन दिया था हम भजन करेंगे, तो भी लोग तीव्र भजन करना शुरू कर देते हैं, शरीर का कोई गारंटी नहीं, अनित्यम सुखम लोगों में मन प्राप्त भजन समाप्त, अब एक एक पल एक एक क्षण भजन करो, नहीं तो ये समय छूट गया तो फिर आगे हाथ में आने वाला है नहीं। इसीलिए कभी कभी साधक को भी ऐसे विपत्ति रूप में आदि व्याधि आकर के घेर लेते हैं उसको चेतन कराने के लिए, लेकिन बहिर्मुख लोग जो है ना उसके लिए ऐसा नहीं, वो तो प्रारब्ध अनुसार उसको भोगना पड़ेगा।